सही भैया को नमस्कार और सीआरडीसी को धन्यवाद कि हमें मौका दिया गया ताकि हम सीआरडीसी से अब वाटरप्रूफिंग के बारे में सीख सके और इस सर्टिफिकेट ले सके ताकि हमारी भाईलू वाटरप्रूफिंग में बढ़े। हमें सीआरडीसी इंस्टीट्यूट में जो हमें पढ़ाया गया सिखाया गया वाटरप्रूफिंग के बारे में, हम उससे खुश हैं और हमें और भी दिलचस्पी बढ़ी है कि ताकि हम वाटरप्रूफिंग के बारे में और भी जान सके, आगे बढ़ सके। जो हम काम करते हैं तो वो हम काम वो परफेक्ट करते हैं और उस काम में हमें ये सोच के चलते हैं कि उस काम में कभी दोबारा नुकसान आवे। और इसी के बारे में वाटरप्रूफिंग के बारे में हमें अच्छा से सीआरडीसी में सिखाया गया पढ़ाया गया है और करके भी प्रैक्टिकल हमें बताया गया है कि हम कैसे करें वाटरप्रूफिंग, कि क्रेक को कैसे काटना है ताकि वो दोबारा क्रेक ना खुले, जिसे वी कट काटते हैं तो खुलने के चांस रहते हैं और अंडर कट काटते हैं तो खुलता नहीं रहता कि उसका लॉकिंग बना रहता है, और उसको पीएमए मोटार बना के कैसे फील करते हैं, ये सारी बातें बताई गया है हमें वाटरप्रूफिंग के लिए। चाहे छत हो या बेसमेंट की छत हो या बाथरूम हो, ये सारे जितने भी वाटरप्रूफिंग आती है, या वॉल हो या सोरा सीलन हो या लीकेज हो या डंपनेस हो, ये सभी के बारे में हमें अच्छा से बताया गया है कि सीलन को क्या पहचान होती है, डंपनेस को क्या पहचान होती है, लीकेज की क्या पहचान होती है। जो लीकेज होता है वो गीला रहता है, डंपनेस सीलन खुल जाता है, हमें ये सारे बताया गया है। और खास करके जो वाटरप्रूफिंग में जो क्रैक्स है और आउटलेट पाइप होती है, ये मेन हिस्सा होता है, इसको हमें किस तरीके से फिलिंग करने, ये हमें प्रैक्टिकल करके बताया गया है कि 45 GSM जियो टेक्सटाइल से कैसे फिलिंग करते हैं इस पाइप को ताकि वो दोबारा किसी क्रैक ना आवे, वहाँ से कोई लीकेज ना आवे। ये बहुत सारी बातें बताई गया हमें वाटर